प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए मैट्रिक से संबंधित एक थॉर्म की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, एक थॉर्म है मैट्रिक के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स, दो नन ऑफ देम इज जीरो। इसका मतलब यह है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल जो है वो जीरो आ सकता है, यद्यपि उन दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं है। देखिए, जब एलजेब्रा के अंदर हम अध्ययन करते हैं या संख्या अंकगणित के अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि यदि एक राशि एक्स है और दूसरी राशि वाई है और इन दोनों का गुणनफल जीरो आ रहा है, तब इसमें तीन शर्तें होती हैं। या तो x का मान जीरो होगा या y का मान जीरो होगा, या x का मान भी जीरो होगा और y का मान भी जीरो होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इन तीनों शर्तों के अलावा एक शर्त ये, एक शर्त ये, एक शर्त ये, चौथी शर्त एक और है कि x का मान भी जीरो ना हो और y का मान भी जीरो ना हो, और तब उनका गुणनफल जीरो आ जाए। एलजेब्रा के अंदर, अंकगणित के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा संभव है कि एक, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका मान अगर जीरो है, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसका मान जीरो नहीं है, तब हम जब मैट्रिक्स ए बी का मान निकालेंगे तब इसका मान जीरो आएगा, और यदि इसका मान जीरो नहीं है और इसका मान जीरो है, तो हम जब इसका मान निकालेंगे ए और बी की गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा, और यदि ए का मान भी जीरो है और बी का मान भी जीरो है तब भी ए और बी की गुणा जीरो आएगी। लेकिन चौथी कंडीशन जो है कि वो ऐसा हो सकता है कि ए का मान भी जीरो ना हो और बी का मान भी जीरो ना हो, तब हम ए और बी की गुणा करें तो उसका गुणनफल जीरो आ जाए। इस थॉर्म का मतलब ये है, ये थॉर्म ये कहना चाह रही है कि मैट्रिक्स के अंदर ऐसा संभव है कि दो दिए हुए मैट्रिक्स में ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है, तब भी उनका गुणनफल जीरो आना संभव है। अब इस थॉर्म को हम आपको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो उदाहरण मैंने लिया है, ये आवश्यक नहीं है कि आप भी यही उदाहरण लें। इस थॉर्म को सिद्ध करने के लिए अनेकों उदाहरण हैं, आपके मन में जो आए वो उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन वो उदाहरण सही होने चाहिए। तो देखिए, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, 0, 3, -2, -3, 0, 1, 2, -1 और 0। ये मैट्रिक्स हमारा जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसके समस्त अवयव जीरो हों, क्योंकि इसके समस्त अवयव जीरो नहीं है, इसमें 9 अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 3 अवयव जीरो हैं लेकिन अन्य अवयव जीरो नहीं है, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। एक दूसरा मैट्रिक्स हमने और ले लिया बी, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, और चूंकि इसका तो कोई भी अवयव जीरो नहीं है, और कोई भी अगर होता भी तब भी जब तक सभी अवयव जीरो नहीं होंगे तब तक वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी मैट्रिक्स जो है वह भी हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अब हम ए और बी की गुणा कर रहे हैं, तो जैसा आप जानते हैं जब ए और बी की गुणा कर रहे हैं इसका मतलब ए को पहले लिखा जाएगा, बी को बाद में लिखा जाएगा, और जब हम बी और ए की गुणा करेंगे तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखा जाएगा, ए को बाद में लिखा जाएगा। कभी कभी गुणा संभव होती है, कभी कभी गुणा संभव नहीं होती है। इस थॉर्म को सिद्ध करने के लिए जो हम उदाहरण लेंगे दो, वे ऐसे ही उदाहरण लेंगे जिनमें गुणन संभव हो। तो हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो 3×3 प्रकार का है, और ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा 3×3 प्रकार का है, इसलिए इनकी गुणा तो संभव है।
अब हमने इनकी गुणा करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इनकी गुणा जीरो मैट्रिक्स आती है अथवा नहीं आती है। जैसा कि आप जानते हैं जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ का एलिमेंट ढूंढते हैं, तो ये नौ गुणा में भी इसके जो है नौ एलिमेंट्स आएंगे, नौ अवयव आएंगे। तो ये वाला अवयव जो है वह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। जैसा कि आप जानते हैं जब दो मैट्रिक्सों की गुणा करी जाती है तो यहाँ का एलिमेंट ढूंढने के लिए पंक्ति तो हम इसमें से लेते हैं और पहले स्तंभ इसमें से लेंगे। जब ये वाला अवयव ढूंढेंगे इसका मान निकालेंगे तो पंक्ति तो ये वाली ली जाएगी और स्तंभ ये वाला लिया जाएगा। और जब यहाँ का अवयव निकालेंगे तो चूंकि ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, इसलिए पहली पंक्ति तो पंक्ति ली जाएगी और स्तंभ तीसरा लिया जाएगा। अर्थात यहाँ के और यहाँ के मान निकालने के लिए हमने लिख लिया 0, 3, -2 0, 3, -2। और जब यहाँ का अवयव ढूंढ रहे हैं तो ये हमें लिखना पड़ेगा 1, 2 और 3। इनका गुणन करना पड़ेगा हमारे लिए 0 आ जाएगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी हमें 6 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा और ये प्लस बीच में लग जाएगा, प्लस ही लग जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया। अर्थात जब हमने इन दो मैट्रिक्सों की गुणा करी तो यहाँ का अवयव हमें 0 प्राप्त हो गया। हम ये वाला अवयव निकालना चाहते हैं तो ये वाला अवयव चूंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है इसलिए पंक्ति तो हम यही वाली लेंगे, स्तंभ दूसरा वाला लेंगे ये वाला। तो हमने लिखा 0, 3, -2, ये तो पहली पंक्ति लिख दी। अब स्तंभ लिखेंगे 2, 4, 6 इनकी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे प्लस के 12 आ जाएंगे और इनकी जब गुणा करी जाएगी तो माइनस के 12 आएंगे और ये प्लस का निशान यहाँ पर रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0 फिर प्राप्त हो गया, अर्थात ये अवयव भी हमारे लिए 0 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ का अवयव ढूंढेंगे तो यहाँ का अवयव ढूंढेंगे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है तो पंक्ति तो यही वाली लेंगे। तो पंक्ति हमने लिख दी 0, 3, -2 और स्तंभ तीसरा वाला लेंगे तो स्तंभ हमें ये लेना पड़ेगा 3, 6, 9। अब इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा 0, जब इनकी गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा 18 और जब इनकी गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा -18 और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 0। अर्थात यहाँ का अवयव भी 0 हो गया। अब हम यहाँ का अवयव ढूंढेंगे तो यहाँ का अवयव ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो चीज़ आएगी वह चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी पंक्ति लेनी पड़ेगी और पहला स्तंभ लेना पड़ेगा। तो पहले हमने दूसरी पंक्ति लिख दी -3, 0 और 1 और स्तंभ पहला वाला लिख दिया 1, 2, 3। इनकी गुणा करेंगे तो -3 ये प्राप्त होंगे, 0 ये प्राप्त होंगे, 3 एकम 3 ये प्राप्त होंगे और इसको सरल करने के बाद 0 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया। अब हम यहाँ का अवयव ढूंढेंगे तो यहाँ का अवयव प्राप्त करने के लिए हम पंक्ति तो दूसरी ही लेंगे और स्तंभ भी इसमें दूसरा लेना पड़ेगा। तो पंक्ति तो हमारी यही चलेगी -3, 0, 1 -3, 0 और 1 और स्तंभ लेंगे दूसरा इस ये है ना, ये लेंगे -3, 0 और 1 और स्तंभ लेंगे दूसरा 2, 4, 6। जब इनका गुणा करेंगे तो -6 ये प्राप्त हो जाएंगे, 0 ये प्राप्त हो जाएगा, 6 प्लस के ये प्राप्त हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ भी हमें 0 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ का अवयव निकालेंगे तो यहाँ के अवयव निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है इसलिए पंक्ति तो पहली लेनी पड़ेगी पहले वाले मैट्रिक्स में से और स्तंभ लेना पड़ेगा तीसरा दूसरे वाले मैट्रिक्स में। तो दूसरी पंक्ति तो हमारी यही है -3, 0, 1 तो हम लिख देंगे -3, 0, 1 और स्तंभ लेंगे ये 3, 6, 9 हमने ये लिख दिए। हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो -9 प्राप्त होंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे 0 प्राप्त होंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे 9 प्राप्त होंगे। तो -9 और 0 प्लस के इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ का अवयव भी 0 आ गया। क्लियर। अब हम ये वाला अवयव प्राप्त करेंगे, ये वाला अवयव क्योंकि
तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, इसलिए इसमें अब हम पंक्ति लेना प्रारंभ करेंगे तीसरी। तीसरी से पंक्ति ले ली हमने, और चूंकि पहला स्तंभ है तीसरी पंक्ति का, इसलिए पहला स्तंभ इसमें से लिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 2-1 0 और 1 2 3, 1 2 3 ये लिख लेंगे। इनका गुणन करेंगे हम 2 प्राप्त होगा, इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 2 प्राप्त होंगे, इनका गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहां भी 0 आ गया हमारा। हम ये वाला अव्यय निकालेंगे, ये वाला अव्यय चूंकि तीसरी पंक्ति का दूसरा अव्यय है, इसलिए तीसरी पंक्ति तो इसमें से ली जाएगी और दूसरा स्तंभ इसमें से लिया जाएगा। जैसा कि आपको गुणा करने के 2 मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार से की जाती है आता है, वही हिसाब से कर रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे 2-1 और 0, ये तो तीसरी पंक्ति ले ली इसमें से, और दूसरा स्तंभ इसमें से लेंगे। 2, 4, 6 इनकी गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे -4 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 0 प्राप्त हो गया, अर्थात ये भी 0 आ गया। हम ये वाला अव्यय ढूंढेंगे, तो ये वाला अव्यय चूंकि तीसरी पंक्ति का तीसरा अव्यय है, इसलिए पहली पंक्ति तो लेते हैं पहले वाले में से और स्तंभ लेते हैं दूसरे वाले में से, तो इसमें तीसरी तो पंक्ति ली जाएगी और तीसरा ही स्तंभ लिया जाएगा। तो ये मिलेगा आपके लिए 2-1 0 तीसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ मिलेगा 3, 6, 9। इनका गुणा करेंगे 6 प्राप्त हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे -6 प्राप्त हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फिर 0 प्राप्त हो गया, अर्थात यहाँ भी 0 आ गया। और आपको जितना बतलाया था मैंने, और आप जानते भी होंगे और जानकारी होना भी चाहिए, जब किसी मैट्रिक्स के सभी अव्यवों का मान 0 होता है तो उसे 0 मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से चूंकि इस मैट्रिक्स के जो हमें ए और बी की गुणा करने से फल प्राप्त हुआ के सभी अव्यव 0 हैं, इसलिए ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ 0 मैट्रिक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन मैट्रिक्सों की हम गुणा कर रहे हैं, ना तो उसमें ए मैट्रिक्स 0 है और ना बी मैट्रिक्स 0 है। अगर इसमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगा तो 0 आना ही आना है, दोनों 0 होंगे तब भी आना है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं है, तब भी गुणा हमारी 0 मैट्रिक्स आ रही है। ये थ्योरम यही कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी ए 0 मैट्रिक्स दो नन ऑफ देम इज 0। दो मैट्रिक्सों की गुणा 0 संभव है यद्यपि उनमें कोई भी मैट्रिक्स 0 ना हो। इस उदाहरण को मैंने आपको, इस थॉर्म को मैंने इस उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है, आप विचार कीजिए। और इसको ये नहीं कि एग्जाम में आपको इसी उदाहरण से करना है या यही उदाहरण देना है, इसके अलावा अनेकों अरबों खरबों उदाहरण बन जाएंगे इसके। आप कोई से 1, 2, 3, 4 उदाहरण याद कर लीजिए अपने समझने के लिए, उनको विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपकी बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।